अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सबका ठीक ठाक खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने दो तीन दिनों से देखा ही होगा कि इंस्टाग्राम पे सियालकोटी वड़ा पाव की काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी, तो आज हम उन्हीं को ट्राई करने आए हैं। और बेसिकली जो वो लोकेटेड हैं वो हैं जुबली चर्च के नीचे, और मेरे साथ वासिफ भाई हैं, हमजा भाई हैं, नमीर भाई हैं और हमारे साथ हैं आदिल भाई। और इस वक्त हम लोग आए हुए हैं सियालकोटी वड़ा पाव पे, और आज जो है हमका जो वड़ा पाव है वो ट्राई करेंगे। Are you excited? Yes, I am. तो ऑर्डर जो है वो हम दे चुके हैं, और इनके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो ये है कि एक इनका स्पेशल वड़ा पाव है जो कि विद चीज़ है, विच इज़ ऑफ 120 रुपीज़, और एक जो है वो नॉर्मल वड़ा पाव है वो चीज़ के बगैर है, और वो है 80 रुपीज़ का। तो प्राइस तो ठीक है। नहीं, क्या क्या करना चाह रहे हो आप क्या करना चाह रहे हो? जैसा कि आप देख के हम इधर आए हैं ये चेक करने, इंडिया बेसिकली ये जो है ना इंडिया क्या है, अभी हम जो है ना अभी जो है इन्होंने बंस के अंदर चीज़ को रखा है, उसको स्टीम किया है मेरा ख्याल है। पहले आपने क्या किया है? ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, आपने यानी कि चीज़ को पहले ही मेल्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद खाने के लिए ठंडी हो गई, खाने में मज़ा नहीं आएगा। राइट, इसके बाद क्या स्टेप है आपका? अभी हम करेंगे इसमें सॉस ऐड करेंगे। ये है मिंट सॉस है, ये मिंट सॉस। यहाँ पे जो आप जो आपके क्या पराठो के बने हुए हैं, जो आपके बॉल हैं पराठो मैच ही इनका फ्राई हो रहा है। ये आप क्या डाल रहे हैं इसके अंदर? ये मैंने नारियल और पीनट की बनी हुई ड्राई सॉस है वो डाल रहा हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर जो है ना वाइट सॉस में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है कि वाइट सॉस मारी वाली नहीं थी, और ये ब्लॉगर मैं स्पेशली वाइट सॉस दे रहे हैं। चीज़ी चीज़ी ये एक सॉस, ये दूसरी सॉस, और तीसरी वगैरह नहीं। यार चेक तो कराओ ना यार, वो सॉस कैसी है यार, वो एक बाइट ना। चेक तुमने कर लिया है? नहीं, ये सॉस तो नहीं ना चेक की यार, ऐसा थोड़ी होता है। कैमरा गंदा है बाइट कर, यानी कि इन सब ने अपना अपना खा के मेरा बेचारा यार वो वाइट वाली सॉस दिखाना कैसी होती है कि एक मिनट ये पकड़ो आज यार, वाइट सॉस यार मुझे मेरा वापस कर दो, वो मेरा वड़ा पाव किधर है? वड़ा पाव मेरा किधर है? हेलो, मेरा वड़ा पाव किधर है? हेलो, मेरा वड़ा पाव किधर है? तुम तो कहते ज्यादती हो रही है मेरे। वो बकरा से ये कि वो ले ला कुर्बानी के लिए पीछे है। वड़ा पाव किधर है मेरा? वो वड़ा पाव किधर है यार? ये भाई कोक भाई, सीन ये है कि इन सब ने अपना अपना एक एक दो दो सब ने खा ली, बासित ने, हमजा ने, नुमीर ने, आदिल ने। जब मेरी बारी आई तो इन सब ने जनाब मेरे ऊपर कर दिया अटैक, और जो मेरा एक बेचारा वो था वड़ा पाव
वो भी इन सब ने हज़म कर लिया। तो इसलिए अब मैंने अपना एक और लगवाया और बासित ने भी अपना एक और लगवाया और अब हम जो है ना इसको कहीं जा के बैठ के जो है वो खाएँ। फाइनली गाइस घर हम वापस मैं बल्कि वापस आ चुका हूँ और वहाँ पे तो जनाब साहब इन सब ने मेरे साथ कुछ ऐसा हाथ किया कि अपने अपने खा के उन्होंने मेरे उस पर वड़ा पाव पे अटैक कर दिया और जिसकी वजह से मुझे दोबारा से ऑर्डर करना पड़ा। लेकिन क्योंकि वो एक रोड साइड स्टॉल है और वहाँ पे आई थिंक बैठने की जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल ईद के दिन चल रहे हैं और आपको पता है कि हर जगह बकरे वगैरह ऐसा का रश फैला होता है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा बैठना अभी के लिए फॉर नाउ फॉर लाइक दीज डेज थोड़ा सा मुश्किल था, लाइक अ बिट अनकंफर्टेबल। तो फिर हमने सोचा कि मैंने और बासित रह गए थे एंड पर हम दोनों ने अपने कोर से ऑर्डर करवाया, तो फिर हमने सोचा कि हम अब घर जा कर ही खाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमने अराउंड 7 या 8 वड़ा पाव ऑर्डर किए थे जो कि इन सब ने आपस में मिल बाँट के मेरा भी इंक्लूडिंग खा लिया। अभी मैं अपना जो है वो वड़ा पाव आई वुड लाइक टू ट्राई। तो बेसिक जो है एक सेकंड यहाँ से ये तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक पोटैटो बॉल है जिसको मैश किया जाता है और उसको बेसन से आई गेस कवर अप किया जाता है और फिर उसको फ्राई किया जाता है और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक चीज़ में होता है और एक सिंपल होता है। जो चीज़ वाला उसमें चीज़ स्लाइस होती है और जो सिंपल है उसमें ये फ़र्क होता है कि चीज़ स्लाइस नहीं होती। अदरवाइज इसमें सॉसेज होती हैं जो कि भाई ने पहले भी मेंशन की थी और अब हम जो है इसको ट्राई करते हैं विदाउट सॉस फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे एज़ पर माई रूटीन के पहले चीज़ को जो है ओरिजिनल उस तरह चेक करना चाहिए। मेरा मान रही हूँ नाइस। तो अभी जो है हम लोग इसको करते हैं विद सॉसेस लाइक मायोनीज एंड केचप। अभी तो इवन इसमें एक जो उनकी स्पेशल सॉस है पुदीने वाली वो मिसिंग है क्योंकि रात के फिलहाल 2:30 बज रहे हैं और वो सॉस ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन मैंने क्योंकि पहले भी चेक की थी दूसरे वड़ा पाउज में स्टिल लाइक द सॉस इज़ मिसिंग फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा है। तो 80 रुपीज़ के अंदर या विद चीज़ 120 रुपीज़ के अंदर आपको एक सिंपल सा बर्गर मिल रहा है। 120 में हालांकि आजकल कुछ भी नहीं आता तो आपको एक सिंपल सा 80 रुपीज़ के अंदर बर्गर मिल रहा है विच इज़ टेस्टी एंड फुलफिलिंग। बर्गर तो नहीं है वड़ा पाव से कहते हैं जो कि इंडियन बेसिकली डिश है। तो इसको ज़रूर आप ट्राई आउट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाएँ इनको सपोर्ट करें और क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है इन्होंने। तो आज के लिए इतना ही, हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।